नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में नए राशन कार्ड है उनके अंदर जो विवाहित महिला है उसका नाम किस तरह से जोड़ा जाएगा, वो नई अपडेट है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसको किस तरह से आपको करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी मित्रा को लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ऐड राशन कार्ड। तो आपको यहाँ पे ऐड जैसे टाइप करेंगे तो सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, राशन कार्ड में नाम ऐड करने का, डिलीट करने का, ये सारा ऑप्शन एक के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अब इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेट करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से ऑफिस के लिए आपको यहाँ फॉर्म फिल करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिएगा, वेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है, अब यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको उस परिवार के राशन कार्ड का नंबर दर्ज करना है जिसके अंदर आपको विवाहित महिला का नाम जोड़ना है। तो उसका यहाँ पे आपको नाम दर्ज कर देना है। नाम दर्ज करने के बाद सर्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमने जो राशन कार्ड नंबर है वो डाल दिया है। डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका देखिए राशन कार्ड का नंबर, यहाँ पे नाम जो भी होगा वो पिता का नाम, मकान संख्या, इलाका, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपका यहाँ पे ये वाला डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि आप राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, अगर लिस्ट ऑफ सेंड बैक इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो सेंड बैक आया हुआ है वो वाला होगा, और नया एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे नया एप्लीकेशन, इसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना कि कौन से फॉर्म को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे कमल कुमार वाला है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे जो जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे नाम भी देखने को मिल जाएगा, एपीएस, शॉप नंबर, एड्रेस वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको अदर करेक्शन करना है तो एड्रेस में करेक्शन करना है, जो भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एड मेम्बर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एड मेंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको एड मेंबर वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे जितने भी आपके पुराने सदस्य हैं उन सभी का आपको यहाँ पे बायोडाटा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे उनकी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको नया नाम ही जोड़ना है तो आपको यहाँ पे एड मेंबर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे एड मेंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे एड मेंबर पे जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको उसका जो जिसका भी आपको नाम यहाँ पे जिस लेडीज का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना है उसका नाम आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है, इसके बाद अंग्रेजी में फिल करना है, मदर्स नेम उनका हिंदी में, इधर इंग्लिश के अंदर फिल करना है, इधर उसके पिताजी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे शादी जिससे हुई है यानी उसके पति का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी में उसके पति का नाम फिल कर देना है। अब जैसे आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे आपको फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे उसकी सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड के अंदर है वहीं आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे एज आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपके पास अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप है तो डाल दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको जितना भी ऑप्शन है, अब यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पे जो भी लगता है, जो जैसे कि मुखिया का पुत्र वधू है, बेटे की बहू है, या जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ओल्ड राशन कार्ड जो है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। तो ओल्ड राशन कार्ड का जैसे आप डिटेल्स देंगे तो यहाँ पे आपको जो NOC है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो पुराना राशन कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब सारी डिटेल्स आपको हमने बता दी है किस तरह से फिल करना है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो मुखिया से वो आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड मेंबर का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब हमने यहाँ पे जो भी नाम ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे जो है फॉर्म अपलोड करना होगा, तो हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो भी फॉर्म अपलोड किया था वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है बैक जाने के लिए। अब यहाँ पे हमने जो है एप्लीकेशन फॉर्म और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको चेक करना है कि हुए हैं या नहीं हुए तो 100 के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने मैरिज सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे शो हो जाता है, और जो आईडी नंबर आपने यहाँ पे बताया था वो हो जाता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो आपको यहाँ पे प्रीव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रीव का ऑप्शन है और एक वेरीफाई का ऑप्शन है। अगर आप प्रीव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पुराना राशन कार्ड है वो किस तरह से देखने को मिलता था और नया वाला जुड़ने के बाद किस तरह से देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अगर चेक कर लिया, इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वेरीफाई पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको यहाँ पे देख जनरेट टोकन एंड सेंड प्रोसीड टू पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुली सेंड फॉर प्रोसेस पे चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली सेंड फॉर प्रोसेस, यहाँ पे आपको टोकन नंबर देखने को मिल जाएंगे, टोकन नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद आपका यहाँ पे ये फॉर्म है अच्छी तरह से सबमिट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे नई विवाहित महिला एवं उनका नाम जोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।